क्या रणनीति है, क्या किरदार है? 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक खजुराहो तृतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है और इसमें देश विदेश की कम से कम 165 फिल्में हैं और हमारे क्षेत्र की भी 85 फिल्में हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। इस फेस्टिवल को हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा है। उसमें एक महिला सशक्तिकरण पर है, पहली बार हमने किसानों को सिनेमा से जोड़ने की कोशिश की है। किसानों पर एक पूरा के पूरा एक सेगमेंट है, एक जवानों पर है और एक नौजवानों पर है और इन चारों सेगमेंट के लिए हमने खजुराहो में टपरा टॉकीज बनाए हैं और ये फेस्टिवल 3 शहरों में हो रहा है, छतरपुर, पन्ना और खजुराहो में। और इस फेस्टिवल के दौरान हम 3 लड़कों को सिलेक्ट करेंगे जो बॉम्बे में जाके रमेश सिप्पी जी के यहाँ, अनुपम खेर के यहाँ और सुभाष भुज जी के यहाँ पर हमारी ओर से खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की ओर से ट्रेनिंग लेंगे और हम उनको ट्रेन करके बॉम्बे में रखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यह है कि शशि कपूर, टॉम वॉल्टर और ओमपुरी साहब के लिए फिल्म फेस्टिवल समर्पित है। मैं चाहता हूँ 17 से लेकर 23 तक आप सब लोग आए क्योंकि ये खजुराहो का फेस्टिवल है, आपका फेस्टिवल है, अपने प्रदेश अपने देश का फेस्टिवल है, इसको सफल बनाए। बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा। चित्रकूट में हम संत समागम रख रहे हैं और सूफी संत समागम है जिसमें फैज़ खान, कबीर, मीरा, जायसी इन सब के ऊपर है तो वो भी हमारी नज़र में है। ओरछा में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव कर रहे हैं हम, ये सब है क्योंकि खजुराहो सिनेमा और फ्लाइट से डायरेक्ट रिलेटेड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो हमने सिनेमा के लोग जहाज़ों से चलते हैं, 5 स्टार में ठहरते हैं, इंटरनेशनल मसला है तो सिनेमा की दृष्टि से हमने खजुराहो को समझा है। चित्रकूट रामराजा वहाँ रहे हैं तो संतों के लिए हमने वहाँ पर रखा है और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में रखा है।